और ये हो गया पूरा फिनिश। आप चाहें तो इसके ऊपर सूखने के बाद डबल कोट मार सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीको पेंट या प्यू पेंट को नया कैसे करते हैं, उसके ऊपर दूसरी बार पेंट कैसे करते हैं। तो ये मैंने दो लकड़ी के पीस लिए हुए हैं, इनके ऊपर पहले एक पे मेटेलिक पेंट हुआ था और एक पे डीको पेंट। तो मैं इसके ऊपर आपको प्यू पेंट करके दिखाऊंगा। आप चाहे तो इसके ऊपर डीको पेंट या प्यू पेंट कोई भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये एक पीस ले लेते हैं हम। इसके ऊपर पहले मेटेलिक पेंट हुआ था, तो सबसे पहले हमें करना है इसके ऊपर डीको पुट्टी। जहाँ पे क्रैक हो गई हो या होल वगैरह हो तो वहाँ पे डीको पुट्टी भर देंगे। इस तरह से डिगो पुट्टी करने के बाद में इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर। उसके बाद में इसके ऊपर रेगमाल लगाएंगे। 320 नंबर या 400 नंबर का रेगमाल यूज करेंगे इसमें पानी के साथ में, और इसकी रगड़ाई कर देंगे अच्छी तरह से ताकि पूरा स्मूथ हो जाए। उसके बाद में इसको साफ कर लेंगे कपड़े से अच्छी तरह, इसका पूरा पानी सुखा लेंगे। उसके बाद में ये पेंट करने के लिए तैयार है। आप चाहें तो इसके ऊपर डीको पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्यू पेंट करके दिखाता हूँ। ये प्यू पेंट है और ये इसका हार्डनर है। 1 लीटर में 200 ग्राम हार्डनर और 200 ग्राम तक प्यू थिनर मिक्स करना पड़ता है। तो ये मैंने लिया है पैरेट कलर का प्यू पेंट। अब इसको मारना है। इसको आप एक या दो कोट मार सकते हैं। अगर आपको एक कोट मारने के बाद में अगर लगता है कि सफाई नहीं आई है तो दूसरा कोट भी मार सकते हैं सूखने के बाद में। बाकी ये पूरा हाई ग्लॉस होगा, इसमें ग्लॉसी मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप डीको पेंट करते हैं तो उसमें वो सेमी मैट में होता है, तो उस पर आपको ग्लॉसी मारनी पड़ेगी अगर आपको हाई ग्लॉस में करना है।